सर अपना परिचय बता दें। मैं भैया ठीक वरिष्ठ कांग्रेस फोटो कापी आ जाए बस। हम लोग आज आप लोग एकत्र हुए हैं, क्या मामला है? आज जो हमारे विधानसभा के प्रत्याशी का चयन हुआ है उसको लेकर के हम लोगों ने अपनी बैठक की है। उसमें हमारे जो अखिल भारतीय राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका जी वाड्रा जो हमारी प्रभारी भी हैं, उनसे हम लोगों ने ये निवेदन किया है कि हमेशा जो भी कांग्रेस की परंपरा रही है कि संगठन से विचार विमर्श कर वरिष्ठ लोगों से राय लेकर के प्रत्याशी चयनित होते हैं। इस बार जो भी प्रत्याशी चयनित किया गया है उस पर अपनी पुरानी परंपरा कांग्रेस ने निर्वहन नहीं किया। आदरणीय प्रियंका जी से हम लोगों की मुलाकात हुई थी, वरिष्ठ लोग भी गए थे, हमारे संगठन के अध्यक्ष भी गए थे, तो उन्होंने ये कहा था कि हम पुनर्फिर से इसका विचार करा रहे हैं। उसके बाद उन्होंने संगठन से भी उसकी राय जानी और एक प्रभारी जीते उन्होंने वरिष्ठ लोगों से भी जानकारी, लेकिन संगठन की और वरिष्ठ लोगों की राय को दरकिनार करके एक प्रत्याशी का चयन कर दिया गया। तो हम लोगों ने उनसे अनुरोध किया कि चूँकि राहुल जी को यहाँ लाना कांग्रेस की परंपरागत सीट है, राहुल जी हार गए, हम लोग आज शर्मिंदा हैं किन्हीं चीज़ों को लेकर के। यद्यपि कमी संगठन और कार्यकर्ता की नहीं रही, पिछले चुनाव भी नहीं रही, ये जो कर्म बैठे थे लोग यहाँ उन लोगों ने कमी किया, तो संगठन अब पुनः शर्मिंदगी राहुल जी के सामने नहीं महसूस करना चाहता। वो चाहता है कि हमारा प्रत्याशी जीते और राहुल जी पुनः हम लोगों के बीच में, गांधी परिवार पुनः हम लोगों के बीच में आए। इन्हीं भावनाओं को लेकर के हम लोगों ने प्रियंका जी से निवेदन किया है कि आप प्रत्याशी चयन करिए, हमारे जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उनको बैठाइए, वरिष्ठ लोगों को बैठाइए और अपने संगठन को बैठाइए और जिसको संगठन तय कर दे। चूँकि आपका एक नारा है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, दूसरा आपका नारा है कि हरजन सीट है, ये जिसको भी उचित समझे संगठन वरिष्ठ लोग और कार्यकर्ता उसको सर्वसम्मत से टिकट दें। और हम लोग वादा करते हैं कि यदि सब लोगों से समाहित करके टिकट देंगी तो हम लोग राहुल गांधी प्रियंका गांधी के सम्मान के लिए बिना किसी हिचक के इस सीट को जिताकर उनकी झोली में देंगे। भाई साहब अपना परिचय बता दें। मोहम्मद मुबीन उर्फ चंदन, प्रधान पक्षरामा, जिला के महासचिव। किस पार्टी से हैं? कांग्रेस पार्टी से। अच्छा, आज ये मीटिंग आहूत की गई है आप लोगों, क्या है मामला? क्या मीटिंग आहूत इसलिए की गई कि अर्जुन पासी को विधायक की टिकट दे दिया गया है, वो कहीं लड़ाई में है ना कुछ है, ना वरिष्ठ लोगों से पूछा गया, ना वरिष्ठ लोगों को बुलाया गया, कम से कम राय लेके दिया जाता कि अपनी सीट निकल तो जाए, कम से कम हम लोग झेलते झेलते थक गए। तो आज आप लोग क्या कर रहे हैं? आज हम लोग इस्तीफा देना चाह रहे हैं और सलाह भी देना चाह रहे हैं, अगर सलाह मान रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो इस्तीफा है। भाई साहब अपना परिचय बता। मैं राहुल देव सिंह, कांग्रेस पार्टी के दिलंबे अच्छे से काम करता हूँ, तमाम छोटे बड़े पदों पर रह चुका हूँ। आज आपके संगठन के सारे लोग एकत्रित हुए हैं, क्या मामला है? संगठन के लोग जो अभी अभी हाल में कल एक लिस्ट निकली है विधानसभा के प्रत्याशियों, उससे लोग आहत हैं कि हम सबको और सारे लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है कि जिस प्रत्याशी को टिकट दिया गया है वो डमी साबित होगा, वो बहुत चुनाव बहुत अच्छे तरीके से नहीं लड़ पाएगा। तो कार्यकर्ताओं का विचार ये है कि अभी समय है और नेता इस पर पुनर्विचार करके और कोई मजबूत प्रत्याशी उतारा जाए जिससे कि हम लोग मुख्य धारा में और मजबूती के साथ चुनाव लड़ सकें।